गणेश जी की कहानी हर त्यौहार पे, कोई भी तीज त्यौहारों, पूरे वर्ष हम गणेश जी की कहानी जरूर बोलते हैं। जो भी शुभ आरंभ होता है तो गणेश जी की पूजा अवश्य की जाती है, किसी न किसी रूप में की जाती है। और जितने भी फेस्टिवल हैं, जो भी हम कहानी बोलते हैं, तो गणेश जी की पूजा करने के लिए हम उसका, जैसे करवा चौथ है वो ही है, और भी तीज त्यौहार होते हैं, तो उसके बाद हम संकट चौथ है, उसके बाद उस त्यौहार की कहानी बोलने के बाद दूसरी कहानी ज़रूर बोली जाती है। और वो दूसरी कहानी है गणेश जी की, गजानन की, जिसको बहुत नामों से हम जानते हैं, गणपति जी की। तो जिस नाम से आप जानते हैं वो आप सुनिए, मैं आपको सुनाती हूँ गणेश जी की कहानी। अब जैसे करवा चौथ है वही है, तो हम सब कहानी इसको कहते हैं। कई बार मैंने बहुत सी वीडियो शेयर की है, तो सब ने कहा है कि गणेश जी की कहानी भी सुनाइए, तो मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक गणेशा थे, चुगटी में चावल लिए, कुल्हिया में दूध लिए, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, कहते हुए गली मोहल्लों में घूम रहे थे। छोटे से बालक थे। अब सब लोगों ने उसको धुतकार दिया, नहीं कोई खीर नहीं बनेगी, ये भी कोई चुटकी में चावल लिए, कुल्हिया में दूध लिए, कोई खीर बनती है। तो सब ने उसको भगा दिया। एक बुढ़िया माई बहुत गरीब नहीं थी, वो बोली कि जो है मैं आपको बना के दूंगी बालक खीर, और मुझे दो चुटकी में चावल और जो कम खीर दूध मेरे को दे दो। तो एक अपना पुराना धुराना बर्तन ढूंढ के लाते, पहले घरों में बहुत बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे, उस बर्तन में उसने कम खीर के लिए दूध और चावल डाल दिए। जैसे ही बुढ़िया माई ने खीर के लिए दूध और चावल डालते हैं और चूल्हे पर चढ़ा देती है, तो देखाते हैं कि दूध भी बढ़ जाता है और चावल भी खूब बढ़ जाते हैं, और उसके भगोने में खीर बनते बनते उफनने लगती है। बोलती है कि अब कि बुढ़िया माई मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए, जब बन जाए खीर तो मुझे बुला लेना। कि क्या बोलूँ कि गणेशा गणेशा मैं आ जाऊँगा। ठीक है, बुढ़िया माई की खीर उफनने लगी। अब घर में बहू थी, तो बहू को जो लालच आया कि खीर उफन के गिर रही है, बाहर जा रही है, तो मैं इसको खा लेती हूँ और किसको पता चलेगा। तो अपना बेला भर के गवाड़ के पीछे खीर खाने चली जाती है। अब खा लेती है, तो गणेशा तो भगवान थे, गणेशा ने तो देखा कि भाई ये तो किस्मत की मारी है और इसको भूख लगी है और इसने लालच के मारे खा ली है। तो भगवान जी तो सब देखते हैं, उन्होंने तभी भूख लगा लिया। अब बुढ़िया माई बोलने लगी खीर तो बन गई है, तो अब मैं इसका भोग लगाती हूँ, बुलाती हूँ गणेशा 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 आ जाओ गणेशा, भोग लगा लो। गणेशा आ जाते हैं, बोले भोग लगा लो, कि भोग तो मैंने तभी लगा लिया था जब तुम्हारी बहू ने किवाड़ के पीछे छिप के खीर खाई थी। अब बुढ़िया माई को बहुत शर्म आई, बोली बहू तूने खीर खाई थी? कि हाँ माता जी, कूफन उफन के बाहर जा रही थी तो बेकार जाएगी, तो इसलिए मैंने खा ली। बहू ने झूठ नहीं बोला। तो भगवान तो सब देखते, कहते कोई बात नहीं बुढ़िया माई, अब ना इसको सब परिवार में, गली मोहल्ले में, सब अपने जितने भी सगे सोदरे हैं सबको खिलाओ। बुढ़िया माई ने सबको खिलाई। अब सब मोहल्ले पड़ोस में सब कहने लगे आज तो बुढ़िया माई खीर बांटने वाली हो रही है, इसके तो भुखमरी के फाके पड़ रहे थे, गरीब नहीं थी, कुछ नहीं था, आज ये खीर बांटने लगी है। तो सबको बड़ी हैरानी हुई। बुढ़िया माई ने बताया था कि गणेश आए थे, चुगटी में चावल लिए, कुल्हिया में दूध लिए, तो मैंने उनकी खीर बना दी। किसी सब ने भगा दिया था उसको कि ये तो बालक है, इसकी भी कोई खीर बनेगी, चल यहाँ से, भग यहाँ से। तो फिर गणेशा बोले कि कोई बात नहीं सर। उसके बाद तो बुढ़िया माई के खूब वारे न्यारे हो गए, खूब धन दौलत ऐशो आराम राजपाट सब हो गया। अगले साल फिर सारे त्यौहार आए, फिर गणेशा आए चुगटी में चावल लिए, हर त्यौहार पे आते हैं गणेशा, तो चुगटी में चावल लिए, कुल्हिया में दूध लिए। तो सब बोले ला बेटा मैं तेरी खीर बनाऊंगी, ला बेटा मैं तेरी खीर बनाऊंगी। गणेशा बोले चल हम नहीं बना रहे तेरी सीखी खीर, हम तो उसी बुढ़िया माई के पास जाएंगे जिसने बिना लालच के खीर बनाई थी। तो गणेशा उसी बुढ़िया माई के पास गए और खीर बनवाई। तो कभी भी लालच में आकर के कोई ऐसा काम ना करे और सबका सम्मान करे। हमारे घर में कौन किस रूप में, कौन मेहमान किस रूप में आ जाए, और मेहमान भी भगवान का रूप होता है, तो इसलिए सभी का आदर सत्कार अवश्य करें। भगवान कब किससे रुष्ट हो जाए, भगवान खुद तो आते नहीं हैं,
भगवान आपके यहाँ किसी भी रूप में किसी को भी भेज सकते हैं। आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई भी आ सकता है, तो हमेशा उसका सम्मान कीजिए अवश्य, तो भगवान उससे खुश होते हैं। भगवान द्वारा भेजे गए जीवों को आप अगर सम्मान करेंगे तो भगवान अवश्य सुख होते, खुशी होती है उनको, और वही उसके सबसे अच्छा धर्म है, वही सबसे अच्छी पूजा है भगवान की। तो गणेशा खुश हुए, जैसी गणेशा पहले आए किसी के बुढ़िया भाई के वारे न्यारे करें, सबके वारे न्यारे करना, सबको सद्बुद्धि देना। और आप सभी से मैं सभी से जो भी कहानी मेरी सुन रहे हैं तो सभी अपने घर आए हुए मेहमानों का आदर सत्कार करें, वो भगवान का रूप होते हैं। भगवान किस रूप में आपकी परीक्षा लें कोई नहीं जानता इस विषय को, इसलिए कभी किसी का अनादर ना करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे टेस्ट के साथ। और आज मैंने खाने का भी मैंने रख दिया है, आप खाइएगा और एंजॉय कीजिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।